नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि को लेकर के। डॉक्टर नगेंद्र ने जो सैद्धांतिक आलोचना लिखी और जो व्यावहारिक आलोचना की, उनकी क्या विशेषताएं रही और उनकी आलोचना दृष्टि किस रूप में रही, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी सैद्धांतिक आलोचना को लेकर के। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के जो संपादन किए, उनकी भूमिका में भारतीय काव्य चिंतन की जितनी विशद व्याख्या की है, उतनी किसी भी अन्य समीक्षक ने नहीं की। तो इस तरह से संस्कृत काव्य शास्त्रों की काव्य चिंतन परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेयस्कर कार्य डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया। ये आजीवन किसी वाद से न जुड़कर विशुद्ध साहित्यिक निष्ठा के साथ सैद्धांतिक समीक्षक रहे। मार्क्सवाद से, स्वच्छंदतावाद से या मनोविश्लेषणवाद, किसी वाद विशेष से नहीं जुड़े, किसी विचारधारा से नहीं जुड़े, पूरी तरह से एक साहित्यिक निष्ठा के साथ इन्होंने समीक्षा की और संस्कृत साहित्य के विशाल काव्य शास्त्रीय वांग्मय को हिंदी में लाने का ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया। इनका सैद्धांतिक चिंतन विशाल, व्यापक और विपुल मात्रा में रहा है। आधुनिकता के संदर्भ में भारतीय काव्य चिंतन की समीक्षा की है। परंपरावादी समीक्षक नहीं है ये। परंपरा को लेकर कि जो संस्कृत में प्रतिमान निर्धारित किए गए, वे उस युग के थे, उस काल विशेष की स्थितियों के अनुरूप थे। उन प्रतिमानों को, उन साहित्यिक सिद्धांतों को आधुनिकता के संदर्भ में उन्होंने आलोचित किया, आधुनिकता के संदर्भ में उनका पुनर्मूल्यांकन किया और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के प्रतिमानों को सामने रखते हुए भारतीय काव्य चिंतन को एक नवीन रूप प्रदान किया। उनकी बड़ी प्रसिद्ध एक आलोचनात्मक पुस्तक है आलोचक की आस्था, जिसमें वे साहित्य का स्वरूप, साहित्य में अंतर्निहित मूल्य, साहित्य के तत्व, उपादान, अनुभूति और अभिव्यक्ति का संबंध, इन सभी विषयों पर विस्तार से विचार करते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य विषयक मान्यता क्या थी। साहित्य को वे मूल रूप में आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। रचनाकार के व्यक्तित्व का कृति में प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिफलन आत्माभिव्यक्ति का ही एक प्रकार है। इस तरह से वे साहित्य को मूल रूप से आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। और सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। तो इस तरह से आलोचक की आस्था पुस्तक में वे साहित्य के विषय में, सौंदर्य के विषय में अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। यही वे साहित्य के प्रयोजन पर भी बात करते हैं कि साहित्य का मूल प्रयोजन क्या है। साहित्य का आत्यंतिक प्रयोजन तो वे आनंद को मानते हैं, मुख्य वे आनंद ही है साहित्य का प्रयोजन, परंतु उसके साथ साथ वे लोक कल्याण और चेतना के संस्कार को भी साहित्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। पर स्पष्ट शब्दों में वे कह देते हैं कि आत्यंतिक प्रयोजन आनंद है, लोक कल्याण और चेतना आत्यंतिक प्रयोजन नहीं है, नहीं हो सकते। लोक हित को प्रयोजन मानकर चलने वाला साहित्यकार लोक में अपने स्व का विचार करके आनंद लाभ ही करता है। इसी प्रकार चेतना के परिष्कार की परिणति भी आनंद की अनुभूति में ही होती है। तो चेतना का परिष्कार आनंद की आत्मानुभूति में ही होता है, इसलिए ये साहित्य में आत्मानुभूति को विशेष महत्व देते हैं और उसका प्रयोजन आनंद को मानते हैं।
इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने कविता के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि वे समय था जब कविता छंदोबद्ध हो या छंद से मुक्त होना चाहिए। मुक्त छंद की बात लेकर के निराला उस समय आते हैं और कविता को छंदों के बंधन से मुक्ति की बात करते हैं। तो एक विचारधारा थी जो छंदोबद्ध रचना को ही कविता मानते थे, और दूसरी थे जो छंदों के बंधन से मुक्त स्वच्छंद भावपूर्ण विचार को कविता के रूप में देखते थे। तो कविता विषयक डॉक्टर नगेंद्र का विचार रहा कि छंद कविता नहीं है, ये मान्यता प्रारंभ से ही रही है। आज इसका रूप उलटकर ये हो गया है कि कविता छंद नहीं है, अर्थात कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। बात यहीं रुक जाती तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई है। कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाहीन चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। इस तरह से कविता के विषय में वे अपनी दृष्टि भी स्पष्ट करते चले जाते हैं, और कविता को लेकर के जो विभिन्न प्रवाद चल रहे थे उसकी ओर भी संकेत करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र अंग्रेजी में आए रिचर्ड से और क्रोचे से प्रभावित रहे, संस्कृत में भट्ट नायक और अभिनव गुप्त से प्रभावित हुए, और हिंदी समीक्षा जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित रहे। हम यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुयायी उनको नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहा है, पर अंधभक्त भी नहीं रहे। जहां उन्हें शुक्ल जी की मान्यता से सब वे समर्थन नहीं करते हैं, वे उनका खंडन करते हैं सशक्त तर्कों के माध्यम से। छायावाद को लेकर के ही जो शुक्ल जी की दृष्टि थी उसका वे सप्रमाण खंडन करते हैं। इसी तरह से क्रोचे के सिद्धांत का, आइए रिचर्ड्स के सिद्धांतों का समर्थन भी करते हैं, और उनको भारतीय परंपरा के साथ जोड़ करके, भारतीय संदर्भों के साथ जोड़ करके, युगीन संदर्भों से जोड़ करके नवीन मूल्यों की स्थापना भी करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं, और रस सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही, और इस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया। तो उनकी रस सिद्धांत विषयक जो मान्यता है उसमें उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान को महत्व दिया है। आधुनिक हिंदी आलोचना के वे समर्थ उन्नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक सामंजस्यपूर्ण पुनराख्यान करते हैं, ना पूरी तरह से भारतीय काव्य शास्त्र को वे अपनाते हैं और न केवल अपनी परंपरा को छोड़कर के पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुगमन करते हैं। वे दोनों में सामंजस्य करते हुए काव्य शास्त्र के पुनराख्यान करते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत मानव संवेदनाओं और रागात्मक वृत्तियों पर निर्भर एक विकासशील सिद्धांत है। इनके अनुसार रस सिद्धांत तालाब का बंधा हुआ जल नहीं है, अथवा विराम पर पहुंची हुई रूढ़ी नहीं है, यह तो स्थिति स्थापक है, लोचदार है, और व्यक्ति अथवा समुदाय के रागबंध और समंजित आस्वाद के सतत विकास पर निर्भर है। इस तरह से वो काव्य शास्त्र को एक रुका हुआ बंधा हुआ जल या रूढ़ी के रूप में नहीं देखते हैं, वे रस को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में, उसकी लोच में, लचीलेपन में देखते हैं, उसके आस्वाद पर विशेष रूप से बल देते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि से रस मानव संवेदना का पर्याय रूप है। रस धारणा विकासशील मानव संवेदना का चरम सत्य है, और इसलिए रस सिद्धांत का विकास मानव संवेदना के विकास के साथ
समगति का निर्वाह करता है। इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र की एक परंपरा का उद्घाटन किया और रस का साधारणीकरण का एक नवीन रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की व्यावहारिक आलोचना दृष्टि पर, जो उन्होंने व्यावहारिक आलोचना की, जिसमें सबसे पहले उनकी पुस्तक आती है सुमित्रा नंदन पंत, जो उन्होंने 1938 में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के महत्व और उसकी सीमा का निर्धारण किया है और इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए इस पुस्तक को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर किसी पुस्तक के बारे में एक प्रशंसा के दो शब्द भी कह देते थे तो वह उस पुस्तक के लिए बहुत मायने रखता था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब वे लिख रहे थे तो उनके सामने ये सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक आती है, तो तब वे कहते हैं कि काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हो। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। अब जब उन्होंने कहा कि केवल यही पुस्तक है जो उन्हें ठिकाने की मिली है, अर्थात जो छायावाद की उचित समीक्षा कर रही है, और डॉक्टर नगेंद्र जी ने इस पुस्तक में पंत जी के भाव जगत और उनकी विचारधारा तथा उनकी काव्यशील कला का अनुशीलन किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने एक सूत्र वाक्य दिया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और ये सूत्र आज भी उसी रूप में मान्य है। छायावाद से पूर्व द्विवेदी युग और भारतेंदु युग था, जो अभिधा परक था, इतिवृत्तात्मक था, स्थूल था, तो छायावाद को वो इस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और इस विद्रोह को वो उपयोगिता के विरुद्ध भावुकता का विद्रोह, काव्य के बंधन के विरुद्ध स्वच्छंद कल्पना का विद्रोह, अभिजात्य काव्य परंपरा के विरुद्ध रोमानी काव्य संवेदना के रूप में विश्लेषित करते हैं। तो जिस तरह से छायावाद के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि वे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, विद्रोह है, उसी तरह से वे जब प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद के विषय में कहते हैं कि ये सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। छायावादी कविता सूक्ष्म के धरातल पर थी, रोमानियत पे, कल्पना पे, अतींद्रियता पे आधारित थी, तो वे सूक्ष्म था और इस सूक्ष्मता का विरोध करते हुए, इसके प्रति विद्रोह करते हुए प्रगतिवाद आता है। तो स्थूल ने एक बार फिर सूक्ष्म के विरुद्ध विद्रोह किया। ये प्रतिक्रिया दो रूपों में व्यक्त हुई, एक तो छायावाद की पलायन वृत्ति के विरुद्ध, दूसरी उसकी अमूर्त उपासना के विरुद्ध। तो छायावादी कविता पर यह बड़ा आरोप लगता है कि यह पलायनवादी कविता है, तो उसके विरुद्ध प्रगतिवाद आया और मूर्त उपासना के विरुद्ध, अमूर्त उपासना जो छायावादी कविता की मूल विशेषता थी और उसी का विरोध करता है प्रगतिवाद। तो इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित रूप आज प्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी द्वारा की गई छायावादी काव्य की खंडित विसंगतियों की उपेक्षा करके उसी काल से जुड़े सार्थक मूल्यों के प्रकाश में उसकी व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुत की। तो ये तो बात की हमने डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत पर, और पंत की कविता में ही उन्होंने व्याप्त सौंदर्य बोध, कल्पना सामर्थ्य, सर्जन के विधायक तत्व बिंब आदि का विश्लेषण किया। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत की कल्पना दृष्टि, भाषिक नवोन्मेष एवं वैचारिक पृष्ठभूमि का भी विवेचन किया। तो इस तरह से
अपनी प्रथम आलोचना परक रचना में ही डॉक्टर नगेंद्र छायावाद की को प्रतिष्ठित करने में सफल होते हैं। इसी तरह से एक और उनकी आलोचना परक रचना है साकेत एक अध्ययन, बहुत चर्चित बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही, पाठकों के शिक्षकों के द्वारा आलोचकों के द्वारा इसकी बड़ी सराहना हुई है। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत उसके विभिन्न संदर्भों को उनकी विचारधारा को किस उसकी कथा वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसकी भाषा शैली का विश्लेषण करते हुए युगीन संदर्भ में उसको प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र साकेत महाकाव्य का मूल संदर्भ मानवीय चरित्रों को संगति प्रदान करना मानते हैं कि जो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई, वास्तव में जब हम उस रचना को देखते हैं तो उसके पहले 8 सर्ग में कथा चल रही है। पूरे रामचरित्र का जो पौराणिक कथा है रामायण वाली वही चलती है, पर 9वें सर्ग में आकर के अचानक कथा का जो रूप है वो परिवर्तित होता है, वहाँ एक मोड़ आता है और कहानी जो है वो उर्मिला पर जाकर के टिक जाती है। तो उर्मिला के चरित्र की उदात्तता को प्रस्तुत करना, कैकेयी के चरित्र की उदात्तता को प्रस्तुत करना, ये रामचंद्र मैथिली शरण गुप्त जी का मूल उद्देश्य था। तो इस दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र इस पुस्तक की समीक्षा करते हैं और वह इस साकेत महाकाव्य को मानवीय चरित्रों को संगति प्रदान करने वाला महाकाव्य मानते हैं। और क्योंकि वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का समय था, उस समय आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, नव जागरण की नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो इन सब भूमिकाओं के बीच एक नारी का क्या महत्व हो सकता है, साकेत में निरंतर इसकी चर्चा मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र साकेत की विषय वस्तु घटनाओं एवं पात्रों को मानवीय और विशेष रूप से गांधीवादी आधार देने की चेष्टा करते हैं और उन रचनात्मक विसंगतियों को इसीलिए वे उपेक्षित कर देते हैं जो साकेत के रचनात्मक विन्यास को शिथिल या सामान्य बनाते हैं। तो साकेत का जब वे मूल्यांकन करते हैं तो उसमें एक रचनात्मक कथा वस्तु विन्यास की दृष्टि से अनेक दोष दिखाई देते हैं, परंतु उन दोषों को वे सामान्य बना देते हैं और जो उसमें गांधीवादी आधार है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसमें मानवीय चरित्रों को उद्घाटित करने का एक मूल लक्ष्य है, उसको प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसी तरह से प्रसाद की कामायनी को लेकर के हिंदी साहित्य जगत में अनेक आलोचनाएं हुई, उनके दर्शन को लेकर, उसके महाकाव्यत्व को लेकर के, उसके रूपकत्व को लेकर के, तो इन सब विवादों को देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने 1962 में एक पुस्तक की रचना की, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समीक्षा एक ऐसे दृष्टिकोण से करनी प्रारंभ की जिसमें आध्यात्मिकता का स्थान मनोविश्लेषण ने ले लिया तथा काव्य का स्थान बहुलांश में शिल्प को मिलने लगा। तो इस तरह से प्रसाद की कामायनी की वे समीक्षा मनोविश्लेषणवाद के ढंग से मनोविश्लेषण से करते हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषण का प्रभाव प्रारंभ में डॉक्टर नगेंद्र पर भी था और सैद्धांतिक समीक्षा में काव्य शास्त्रीय प्रतिमान उन्होंने निर्धारित किए थे, तो इसलिए काव्य की भी जब वे मूल्यांकन करते हैं तो उसमें वो शैल्पिक पक्ष को विशेष रूप से महत्व देते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याओं में उनकी मनोविज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई है। कामायनी का महाकाव्यत्व, कामायनी में अंगिरस, कामायनी में रूपक तत्व, कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, इन चार समस्याओं पर, इन चार मुख्य बिंदुओं पर वे गहराई से विश्लेषण करते हैं और मनोविश्लेषण दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से कामायनी रचना की
मूल्यांकन करते हुए उसे प्रतिस्थापित करते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र की मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई है। इसमें उनकी जो डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि है मनोविज्ञान परक, उनकी जो एक सैद्धांतिक दृष्टि है वो उसका बड़ा गहराई से अभिव्यक्त हुई है। इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र की दो अन्य पुस्तकें हैं, रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता। कुछ विद्वान आलोचक इन दोनों पुस्तकों को सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत रखते हैं और कुछ विद्वान उन्हें व्यावहारिक समीक्षा के अंतर्गत रखते हैं। छायावाद आया जब प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता की ओर मुड़े, तो जो मार्क्सवादी समीक्षक थे, जो मनोविश्लेषणवादी समीक्षक थे, परवर्ती नई कविता के समीक्षक थे, उन्होंने रीति काव्य पर अनेक आक्षेप लगाए। उसे सामंतीवादी काव्य का, घोर श्रृंगार परक काव्य का, और समाज शास्त्रीय दृष्टि से, समाज की उपादेयता की दृष्टि से इस काव्य की निंदा की, भर्त्सना की। पर डॉक्टर नगेंद्र रीतिकालीन साहित्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र किसी वाद से नहीं जोड़ते, किसी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं है। जब वे किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो उसको उस रचनाकार की विचारधारा और युगीन संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि रचना अपने युग का प्रतिनिधित्व करती है, और उस युगीन संदर्भ में अगर हम उस रचना का मूल्यांकन नहीं करते तो ये रचना के साथ, रचनाकार के साथ अन्याय होता है। तो इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन साहित्य का एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया और इन दोनों पुस्तकों को सामाजिक प्रतिमानों की दृष्टि से तो नहीं, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना का प्रतिमान माना जा सकता है। कि देव और उनकी कविता या रीति काव्य की भूमिका, इनमें जो रीतिकालीन काव्य का जो एक कलात्मक सौंदर्य है, जो शिल्पगत सौंदर्य है, उससे पूर्व हमें भक्तिकालीन रचना में नहीं मिलता है, उनके परवर्ती काल में द्विवेदी युग में या भारतेंदु युग में नहीं मिलता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से इन रीतिकालीन साहित्य का जो महत्व है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उन्हें आलोचना का प्रतिमान शास्त्रीय दृष्टि से मानते हुए डॉक्टर नगेंद्र इस रीतिकाल का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि की अगर हम बात करें, उनकी विशेषताएं देखें, तो इनकी समीक्षा प्रामाणिक, विश्वसनीय और पूर्वाग्रह रही है। ये नहीं कि छायावाद को प्रतिष्ठित करना है, स्थापित करना है, तो छायावाद के दोष दिखाई ही ना दे। तो एक पूर्वाग्रह रहित होकर निष्पक्ष दृष्टि से प्रामाणिक रूप से वे एक विश्वसनीय रूप में किसी भी रचना की समीक्षा करते हैं और वैश्विक साहित्य के निर्माण के प्रयास तक इनकी आलोचना दृष्टि विस्तृत रही है। किस रूप में? कि जो हिंदी के हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, प्रसाद आदि हैं, इवन आलोचक डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इन पर इन्होंने अंग्रेजी में समीक्षा लिखी। अंग्रेजी में लिखने का अभिप्राय ही यही था कि हिंदी साहित्य को एक वैश्विक साहित्य के रूप में पहचान मिले। डॉक्टर नगेंद्र का आलोचना का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत और व्यापक रहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रारंभ करते हुए भारतीय काव्य शास्त्र की पूरी एक परंपरा, सौंदर्य शास्त्र की परंपरा, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रतिमान, उनका भारतीय स्थितियों के अनुरूप उनका प्रतिस्थापन, भारतीय और पाश्चात्य का सामंजस्य, और फिर व्यावहारिक आलोचना के संदर्भ में अनेक कवियों की, अनेक साहित्यकारों की रचनाओं का
वे मूल्यांकन करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की व्यापकता की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने हिंदी का गद्य साहित्य जो पुस्तक की रचना की, उसमें वे इनके योगदान के विषय में कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रायः सभी आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण बहुत कुछ प्रमाण रूप में स्वीकृत हो चुके हैं। अतः सिद्धांत निरूपण और आलोच्य कृतियों की व्याख्या एवं विवेचना दोनों ही दृष्टियों से डॉक्टर नगेंद्र का कृतित्व विशेष गौरव का अधिकारी है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल के बाद उनकी परंपरा को समग्र रूप में परिष्कृत और विकसित करने वाले आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र का योगदान अन्यतम है। तो इस तरह से वे डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र की यद्यपि उनकी आलोचना परक पुस्तकें पाठ्यक्रम में नहीं लगी है, परंतु शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हिंदी साहित्य का होगा जिन्होंने डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ना पढ़ा हो, उनकी आलोचना परक पुस्तकें नहीं पढ़ी हो। मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को, निराला की राम की शक्ति पूजा जानने को, उसकी व्याख्या को समझने के लिए डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तकें विशेष रूप से लाभकारी है। वे स्वयं जब विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे तो राम की शक्ति पूजा पुस्तक वे हाथ में नहीं लेते थे, कामायनी वे हाथ में नहीं लेते थे, और वे उनको पूरी तरह से कंठस्थ थी। और जब वे कक्षा में अध्यापन कार्य करते थे तो पूरा क्लासरूम भरा हुआ होता था और बाहर गैलरी में बच्चे खड़े होकर के उनको सुनते थे, उनको पढ़ते थे। तो इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य आलोचना जगत में डॉक्टर नगेंद्र के अवदान पर, उनकी आलोचना दृष्टि पर विचार किया। धन्यवाद।